फंस गए हरियाणा के कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार। पहले छापा फिर सुरेंद्र पंवार की हुई गिरफ्तारी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। हरियाणा के कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। ईडी ने अवैध खनन के मामले में हरियाणा के कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। पहले छापा, उसके बाद गिरफ्तारी और फिर अंबाला स्पेशल कोर्ट में उनकी पेशी हुई। दरअसल अवैध खनन मामले में ईडी काफी समय से जांच करने में लगी हुई थी और इस साल की शुरुआत में भी ईडी ने सुरेंद्र पंवार और उनके साथियों के घर छापा मारा था, जिसके बाद ईडी ने एक बार फिर से छापा मारा और ईडी सुरेंद्र पंवार को गिरफ्तार करने के लिए अपने साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों को लेकर पहुंची थी। धन शोधन का ये मामला हरियाणा पुलिस की ओर से दर्ज किया गया था। दरअसल एक एफआईआर सामने आई थी और एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि यमुनानगर और आसपास के जिलों में लीज अवधि खत्म होने के बाद और कोर्ट के आदेश के बाद भी बोल्डर, बजरी और रेत के अवैध खनन हो रहे हैं। ईडी ने सुरेंद्र पंवार को उनके अंबाला में स्थित ऑफिस से गिरफ्तार किया। इससे पहले यमुनानगर, करनाल और फरीदाबाद में हो रहे अवैध खनन के मामले में इसी साल जनवरी में सुरेंद्र पंवार और उनके साथियों के यहाँ ईडी ने रेड की थी, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, जिसमें ईडी को सुरेंद्र के घर से कुछ खास तो नहीं मिला था, लेकिन इनेलो के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के घर और ऑफिस से और साथ ही साथ उनके साथियों के ठिकानों से अवैध विदेशी हथियार, 300 कारतूस, 100 से ज्यादा शराब की बोतलें और 5 करोड़ रुपए कैश मिला था। सुरेंद्र पंवार और दिलबाग सिंह काफी लंबे समय तक खनन में पार्टनर रहे थे। सुरेंद्र पंवार के घर पर ईडी की टीम ने करीब 38 घंटे जांच की थी। वहीं केंद्रीय एजेंसी ई रावण योजना में कथित धोखाधड़ी की भी जांच कर रही है, जो एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसे हरियाणा सरकार ने 2020 में रॉयल्टी और करों के संग्रह को आसान बनाने और खनन क्षेत्रों में कर चोरी को रोकने के लिए लाया था। जुलाई 2022 में पंवार ने अपने परिवार की सुरक्षा सहित व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। बाद में सोनीपत के विधायक ने कहा कि वे अपना इस्तीफा वापस ले रहे हैं, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने उन्हें पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था का आश्वासन दिया है। कौन है सुरेंद्र पंवार? सुरेंद्र पंवार ने साल 2019 में कांग्रेस के टिकट पर सोनीपत से विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें जीत हासिल हुई थी। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने कविता जैन को उतारा था, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा था। सुरेंद्र पंवार ने अपने हलफनामे में काफी संपत्ति दिखाई थी। हलफनामे के आधार पर पंवार हरियाणा के सबसे अमीर उम्मीदवारों में शामिल थे। पंवार ने 27 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की थी। वहीं अब सुरेंद्र पंवार की गिरफ्तारी पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक की गिरफ्तारी पर सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की एक लहर बन चुकी है और बीजेपी से नाराजगी है, जिसके कारण जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष की आवाज को दबाने का काम बीजेपी कर रही है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जितना विपक्ष को निशाने पर लेंगे, उतना ही जनता बीजेपी को निशाने पर लेगी और हरियाणा में यही माहौल बन गया है। हरियाणा में कांग्रेस की एक लहर बन चुकी है, भाजपा के खिलाफ बहुत नाराजगी है, तो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष की आवाज़ को दबाने का जो काम ही सरकार की कार्यशैली का हिस्सा रहा 10 साल तक, सरकार से कहना चाहता हूं उसका लाभ हरियाणा में नहीं होने वाला। और ज़्यादा हरियाणा जितना ये विपक्ष को निशाने पर लेंगे, हरियाणा के लोग उतने ज़्यादा भाजपा को निशाने पर लेगी, ऐसी स्थिति हरियाणा में बन चुकी है। दूसरा सर, फिलहाल सुरेंद्र पंवार का मामला हरियाणा के आसपास और जिलों में रेत, बजरी और पत्थरों के बड़े पैमानों पर अवैध खनन से जुड़ा है। सुरेंद्र पंवार पर खनन माफिया से जुड़े होने का इल्जाम है। ऐसे में आगे आखिर उनके ऊपर कौन सी कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, इस मामले पर सियासत ने फिलहाल तूल पकड़ लिया है। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।